ये हैं स्क्वाड्रन लीडर कुरुवेला, एक लड़ाकू विमान चालक। इन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। ये अपने दस्ते के विमानों तथा उनके चलाने वाले सहयोगियों का लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए नेतृत्व करते हैं। 23 अक्टूबर 1980 को कुरुवेला अपनी दैनिक उड़ान के लिए रवाना हुए। स्क्वाड्रन लीडर कुरुवेला कहते हैं, 23 अक्टूबर 1980 की सुबह हम 3 जहाजों के साथ एक उड़ान पर निकले। दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित एक रेडार निशाने की ओर हम बढ़ रहे थे। तभी अपने जहाज पर मुझे एक धमाका सा सुनाई पड़ा। मुझे कृत्रिम क्षितिज सूचक यंत्र पर कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जहाज जमीन की ओर गिरने लगा। मैंने गिरते हुए जहाज को काबू में लाने का पूरा प्रयत्न किया, मगर मैंने देखा कि जहाज पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया है। मैंने ईंधन की टंकी खाली कर और नजफगढ़ के समीप एक सुरक्षित स्थान देखकर अपने विमान से बाहर पैराशूट में छलांग लगा दी। दिल्ली के पास उनके जेट विमान से एक पक्षी की टक्कर हो गई थी। कुरुवेला जहाज को बस्ती से दूर निकाल ले गए और इस प्रकार उन्होंने एक भारी दुर्घटना को टाल दिया। जिस जगह उनका जहाज गिरा वहां कोई भी व्यक्ति न घायल हुआ और न मरा। कुरुवेला भाग्यशाली रहे और उनका परिवार भी। आप पूछ सकते हैं कि पायलट ने पक्षी से अपना बचाव क्यों नहीं किया। आइए हम समस्या को समझने की कोशिश करें। गिद्ध जैसे किसी पक्षी को हमारी आंखें अधिक से अधिक 1000 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकती हैं। तेजी से उड़ने वाला जेट विमान साधारणतया 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो 3.6 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी तय कर लेगा। आइए इस विवरण को इस तरह से समझें। 0.1 सेकंड ज्ञान, 0.5 सेकंड पहचान, 1.0 सेकंड निर्णय, 0.4 सेकंड प्रतिक्रिया और 0.0 सेकंड पक्षी के रास्ते से विमान को हटाने के लिए। इस तरह ये हुए कुल 4 सेकंड। कुल 4 सेकंड की आवश्यकता होती है पक्षी से बचने के लिए, जबकि उतनी दूरी केवल 3.6 सेकंड में ही तय हो जाती है। इस तरह से विमान चालक को पक्षी से बचना असंभव हो जाता है, भले ही उसका पूरा ध्यान पक्षियों की ओर ही क्यों न हो। किसी लड़ाकू विमान का पायलट अपने विमान में अकेला रहता है और उसे एक साथ ही बहुत सारे कार्य करने होते हैं। विमान को ठीक ढंग से उड़ाना, सही दिशा में संचालन, कॉकपिट के सभी यंत्रों को नियमित रूप से संचालित करना तथा पूर्ण व्यवस्था की दृष्टि रखना,
इसलिए हर समय पक्षियों पर नजर रखना चालक के लिए बिल्कुल ही असंभव होता है। किसी लड़ाकू विमान चालक को प्रशिक्षण देने में 5 से 7 वर्ष लग जाते हैं, साथ ही काफी सारा सरकारी धन भी। आज भारतीय वायुसेना बहुत ही आधुनिक और महंगे विमानों का प्रयोग करती है। ये रहा अजीत। यह है सुकोई। MiG-21। MiG-23। और जैगुआर विमान हमारी वायु सीमाओं की रक्षा के लिए ये सब बहुत अधिक मूल्य पर खरीदे गए हैं। ये विमान महंगे अवश्य होते हैं, किंतु मनुष्य का जीवन राष्ट्र और परिवार के लिए कहीं अधिक मूल्यवान होता है। सैनिक विमानों जैसा मामला यात्री विमानों के क्षेत्र में भी है। वहां भी मानव जीवन को बहुत खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए एक एयरबस 250 से अधिक यात्रियों को ले जाती है, इसलिए सभी हवाई अड्डों के आसपास विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। जब कभी हवाई जहाज किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी असावधानी के कारण ही ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। पिकनिक का आनंद अवश्य लीजिए, किंतु किसी हवाई अड्डे के नजदीक कभी नहीं। खाने की चीजें कभी भी खुली हुई न छोड़िए। कौवे, चीलें और अन्य पक्षी खाने की वस्तुओं को देखते ही इकट्ठे होने लगते हैं। हो सकता है आपकी पिकनिक किसी जहाज के लिए एक भयंकर खतरा बन जाए। किसी हवाई अड्डे के समीप कभी भी पिकनिक न मनाइए और न ही उसके आसपास खाने पीने की चीजें फेंकिए। खुले हुए कूड़े के ढेर भी बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं। मरे हुए जानवर भी गिद्ध और चील जैसे पक्षियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। हमें हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्र को जितना संभव हो स्वच्छ रखना चाहिए। इस विमान से एक पक्षी की टक्कर हुई थी। ये भाग्य की बात थी कि विमान सुरक्षा पूर्वक नीचे उतर सका, किंतु एक पक्षी ने कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई इसे आप स्वयं देख सकते हैं। जब जहाज की गति अधिक तेज होती है तो किसी भी वस्तु के थोड़े से टकराव से भी भारी हानि हो जाती है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं, यदि हम में नागरिकता तथा जिम्मेदारी की भावना हो। हवाई अड्डों के आसपास खुले मैदान में कभी भी कूड़ा करकट न फेंकें। मरे हुए जानवरों को या तो जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए अथवा उनको हटा देना चाहिए ताकि पक्षी आकर्षित न हो। किसी हवाई अड्डे के समीप कोई पिकनिक न मनाइए और न ही खाने पीने की चीजें इधर उधर फेंकिए। यदि हम होशियार रहें तो हम कई बहुमूल्य जीवन बचा सकते हैं, विमान बचा सकते हैं और अपनी वायु सीमाओं की सुरक्षा भी कर सकते हैं।